जिंदा भूत। गुलाबी रंग सुंदर है ना? तुम्हारे गाल की तरह। वो दोनों यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और मैं रखवाली कर रहा हूँ। साले जी ने देख लिया तो मैं नहीं दिखूंगा। ये तुम्हें पसंद आई? तुम इतनी सुंदर हो, कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा। अरे तुम कुछ कम हो क्या? बस ये मुझे निकाल दो तो बहुत ही हैंडसम लगोगे। अबे लड़की क्या देख रहा है, सामने देख के साइकिल चला, चल। बदतमीज। और तारीफ करूं? छिछी क्यों, और मत चढ़ाओ, तुम्हारे मुकाबले आई एम पानी कम चाय। ए कबूतर, इसके भाई से हम लोगों को कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है, तुम खामखा बीच में मारे जाओगे। यस बॉस। इसे खत्म कर दो और लड़की को घर लेते आओ। ओके बॉस। अपनी बहन को कृष्णा के साथ चूड़ी बाजार भेजकर तुम घर पर क्या कर रहे हो? अगर मेरी बहन को किसी ने छुआ भी तो? कुछ नहीं होगा उसे, बस उसके हाथ पीले हो जाएंगे, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। चूड़ी बाजार जाकर कृष्णा की बॉडी वहाँ से उठा लाओ। जानू हम भाग क्यों रहे हैं? हमारे पीछे गुंडे हैं। अच्छा, मतलब हम उनसे आगे हैं। रेडीमेड। साली जी, चूड़ियाँ खरीदने आए हो क्या? तुम यहाँ कैसे? चूड़ियाँ खरीदने आया था, कमर की साइज की नहीं मिली इसलिए बेल्ट ले लिया। संध्या कहाँ है? मैं कोई गूगल होगी बताऊंगा, संध्या अपने घर पे होगी और कहाँ होगी। मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है? रुक क्यों गई? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अलावा शमशान और कब्रें भी देखा करो। जो लड़के अमीर लड़कियों से शादी कर घर जमाई बन के ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, उनके लिए घर ही कब्रस्तान बन जाता है, भूलना मत। आदमी चाहे दुनिया में कितना बड़ा महल ही क्यों ना बना ले, आखिर में उसे 6x3 फीट के गड्ढे में ही रहना पड़ता है। ये बात जितने जल्दी समझ जाओगे
उतना ही अच्छा रहेगा। ये जो आप बोल रहे हो मैं बचपन में पढ़ के भूल गया हूँ। नए प्रवचन लाइए मार्केट में, आदमी के पावर के हिसाब से कब्र बनती है। कसाब को कहाँ गाड़ा है पता नहीं, पर इंदिरा जी की समाधि 60 एकड़ में। ज्ञान झाड़ना छोड़िए, काम क्या है बोलिए। किससे बात कर रहे बता? बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते, चुप। आप बोलिए। या तो पागल हो गए हो या नाटक कर रहे हो। ये तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमने किसके आदमियों पर हाथ उठाया है? नहीं पता। जक्का के आदमियों पर। ये जक्का कौन है? खौफ भी जिसे देखकर डर जाए, जक्का उस आतंक का ही दूसरा नाम है। स्मगलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ऐसा कोई धंधा नहीं जो जक्का ना करता। मिनिस्टर्स को अपनी मुट्ठी में रखता है, जेल में वैकेशंस के लिए आता है, आराम फरमाता है और जब भी जी चाहे बाहर आ जाता है। कहानी बिना एडिट के बताइए। सर, ये ब्रिज जक्का ने बनवाया था। आप जक्का को नहीं जानते सर? भले ही मैं जक्का को नहीं जानता, मगर गिरे हुए ब्रिज को जरूर जानता हूँ। इसीलिए मुझे ये केस सौंपा गया है, समझे? मैं जक्का का चक्का जाम कर दूंगा। जक्का बहुत डेंजर आदमी है सर। जक्का मेरे लिए डेंजरस नहीं, मैं उसके लिए डेंजरस हूँ। ये कलर चलेगा डैड? बेटा तुम्हें जो कलर पसंद हो ले लो। ठीक है भैया। अच्छा, पीला कलर देना। इन कार्ड्स को ले जाओ और पोस्ट कर दो। हो जाएगा सर। ये एडवांस हलवाई को दे देना, वो अपनी तैयारी कर लेगा। ठीक है, ओके? सर, चलता हूं। दिलीप बाबू, मेरी तरफ से डबल नमस्ते। नमस्ते, मैं नीचे आता हूँ। आप लोग बैंड वाले की तरफ से हैं? जक्का की तरफ से। हम लोग जक्का के आदमी हैं। मैं जक्का का चाचा हूँ और जक्का इन सब का चाचा है। जक्का कहे तो कूटते हैं, जक्का कहे पीटते हैं और कभी फ्री में भी धो देते हैं। हमारे पास धुलाई सफाई के लिए वॉशिंग मशीन है, कोई और घर देखिए। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, ब्रिज कई दिन से खड़ा था इसलिए पक्के गिर गया। अरे आजकल तो शेयर मार्केट कितना ऊंचा चढ़ता है फिर अचानक से गिर जाता है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाता है? शेयर मार्केट गिरता है मगर किसी के ऊपर नहीं गिरता। मेरी बात सुनिए, हमारी फेवर में फटाफट इस कागज पर साइन कर दीजिए। जक्का आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। चाहे जो हो, मैं साइन नहीं करूंगा। तेरा बाप भी करेगा। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, इसे पूछ मैं किस हद तक जा सकता हूँ। ऊपर पहुंचा सकता है। गाड़ी ले ले, चल बंगला भी दिया। अब अगर मेरा भेजा सटकाया ना तो उंगली से भी हाथ धो बैठेगा। सुमड़ी में साइन कर। अगर इतनी ही ताकत है तो कोर्ट में दिखाओ, मेरे घर पर नहीं। डैडी, तेरी बेटी है। चल चल अंदर चल। बेटी, दरवाजा खोलो। तेरा बाप साइन नहीं कर रहा है इसलिए मुझे साइन करना पड़ेगा। दरवाजा मत पीटिए, ढोल पीटिए, साइन कर दीजिए, वो बाहर आ जाएगी। मेरी बेटी को छोड़ो, मैं साइन करता हूँ। ये लीजिए। साइन हो गए, बाहर आ जाओ। आप उनने भी साइन कर दिया। जल्दी चलो, 97 हो गए। ए दिलीप बाबू, तेरी आंखों में डर देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। यही डर मैं सबकी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो काम पर गया था सर। तो तुम यहाँ कैसे आए? घर पर गया तो घरवाले ने मुझे बताया और मैं देखने चला आया। दिलीप बाबू, खुद को संभालिए। मेरी बेटी को देखो क्या हाल है। भगवान ने मेरी ईमानदारी की, मुझे यह सजा दी है कि मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया। चुप हो जाइए, अब वो रोएगा जिसने भी ये किया है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा, सच कहता हूँ। जक्का, उस इंजीनियर के बच्चे ने केस ठोक दिया है, 14 तारीख को कोर्ट में पेशी है। रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया, जमाना हो गया कोर्ट गए। पढ़ा लिखा वकील करना।
कोई टेंशन नहीं, आपने सब बातें मुझे सच बताई, मैं कोर्ट में जाकर झूठ बोल दूंगा। झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं। तो इसके मुताबिक आपने 1 सितंबर को उस लड़की का रेप किया। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि आप सेम डे सेम तारीख को क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे और 20 लाख हार गए। अगर सट्टेबाजी के केस में अंदर हो गए तो ये नहीं चलेगा। तो साबित कर देंगे कि जक्का नामर्द है, रेप नहीं कर सकता। नामर्द साबित किया तो फिर कौन सी लड़की इससे शादी करेगी? अरे मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। वैसे भी लड़की नहीं मिली तो किसी लड़के को ही ढूंढ लेंगे, आजकल तो सब चलता है। वैसे तुम शराब पीते हो? अरे मेरा भतीजा है। तब तो पूछने की जरूरत ही नहीं, क्वार्टर मारो, आराम से सो जाओ। इसका नाम है गज्जू, बहुत बड़ा बिल्डर है, दोनों ने मिलकर केस करवाया है। अरे सुनो, कैसे हैं आप दिलीप बाबू? तुम्हारी बेटी नहीं रही लेकिन उसके लिपस्टिक का टेस्ट अब भी होठों पर है। अभी नहीं। साथ ही हाथ बढ़ाना अच्छा है। देख तू व्यापारी है, धंधे वंदे के बारे में सोच, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? बिजनेसमैन को धंधा सिखाने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बचाओ फिर बात करेंगे, ठीक है? चलो। क्या आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं? भगवान की कसम, जो ब्रिज जक्का ने बनाया था वो 1 महीने में ही गिर गया। मैंने इसकी रिपोर्ट भी बनाई थी, ये भी सच है कि मेरी बेटी की अगले महीने ही शादी थी, मगर इसने उसका रेप कर दिया। इस सच्चाई के सिवा कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, अगर ईमानदारी सबूत है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। मेरे मुवक्किल जक्का, जिन पर रेप करने का आरोप है, वो 1 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट। अभियुक्त बाबूलाल यादव जी उस दिन अप्सरा बार में डांस कर रहे थे। ये रहा होटल का बिल। सर वो ऐसे बैठ रहा है जैसे सुबह सुबह कमोड पर बैठते हैं। बट ही इज ए क्रिमिनल, और उसका ये भतीजा रेपिस्ट और हत्यारा है। और ऐसे झूठे सबूत चंद रुपयों में हासिल किए जाते हैं। Your Honor, लोग सिर्फ डॉक्टर और वकील से ही सच बोलते हैं, और मैंने उनकी ईमानदारी से बोली गई सच्चाई की बेईमानी से सीडी बना दी। आपको रेप करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? इसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके किया था। क्या वो अभी जिंदा है? वो जिंदा रहती मगर इसने मार दिया। Your Honor, न्याय पाने के लिए मेरे दोस्त गज्जू ने मुझसे गुजारिश की थी, ताकि लोगों का कानून पर से भरोसा ना उठे। मैंने सिर्फ दोस्ती के लिए ही कानून का साथ नहीं दिया, मुझे सच्चाई का साथ देने का गर्व है। अपराधी जक्का को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरी कोर्ट से यही अपील है। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर कोर्ट जक्का को अपराधी मानती है और उसे रेप और मर्डर के केस में 6 साल की कड़ी सजा सुनाती है।